अभी यहाँ पर इतना सुंदर जो आयोजन कर रहे हैं और ये आयोजन करने के पीछे हमारे समाज के लिए सुंदर समाज और सुंदर बेहतर समाज हो, इसके लिए अच्छे अच्छे प्रयास और सुंदर सुंदर प्रयास के माध्यम से दूर दराज से आए हुए हैं और इस मंच के सारे संचालन महोदय और हमारे मुख्य अतिथि जलेश्वर जी और इस मंच के विशेष अतिथि मदन राव जी और सर नक्षत्रहार के संयोजक मानसिंह राव जी और हमारे राज्य बड़ा प्रतन सभा के कोषाध्यक्ष राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बिरसा जी सोमे जी और हमारे सारे जितने भी हैं सबके लिए मैं एक बेहतरीन तरीका से चाहूंगा कि आप लोग ये इनका हौसला और पहान लोग अभी स्वागत करते करते ला रही है, इनके लिए एक बेहतरीन सब मिलकर ताली जोर से बजा दीजिए एक बार जोर से। अब कौन नभाए बधेनो जिला भी पढ़ा कोटवार और जिला परिषद सदस्य श्री विनोद राव और श्री रंथू राव बर्चकानर द्वारी ने इसलिए के मंच दे मवाद चोन और अपडर मंच नो परोर और मंच ग्रहण मंच नो स्थान ग्रहण नो और मंच की शोभा बढ़ावो श्री विनोद राव और श्री रंथू राव पढ़ा कोटवार लाते हा। तो मैं अपने बात रखने से पहले मैं इस क्षेत्र में खासकर लातेहार या इस क्षेत्र में मैं पहली बार प्रवेश हुआ हूं। 24 साल आर्मी में सर्विस करने के बाद मैं समाज का काम कर रहा हूं और काम करते करते आज हर क्षेत्र में जाने का प्रयास कर रहा हूं और इस क्षेत्र में मैं पहली बार प्रवेश किया हूं और YouTube के माध्यम से लाखों नहीं कई लाखों दिलों तक मैं पहुंच चुका हूं मुझे ऐसा लगता है। तो मैं कितने लोगों तक पहुंचा हूं मैं चाहूंगा कि मेरे को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कितने लोग पहचानते हैं थोड़ा हाथ उठा दीजिएगा। वाह 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 सबके लिए ताली बजा दीजिए। इसका मतलब हमारे आदिवासी समाज हमारे सुंदर समाज के प्रति मैं जो काम कर रहा हूं वो काम करते करते मैं दिखाने का जो काम कर रहा हूँ वो काम हमारे समाज के लिए आज बहुत ही अच्छा हो रहा है और बहुत सुंदर हो रहा है। मैं चाहूंगा आप लोग सारे लोग ऊर्जावान और इस धरती में यहाँ से धर्मेश का चाला माँ का सिंहभूमा का आदि शक्ति का ऊर्जा हो इसके लिए हम लोग को 3-4 बार आह्वान करना होगा धर्मेश का आह्वान करना होगा। आप लोग बोलिएगा धर्मेश वो नहीं है क्या दोनों हाथ उठा के एक भी लोगों का हाथ चुपचाप नहीं रहना चाहिए सारे लोग का हाथ खुला होना चाहिए और मंच में बैठा है उनसे भी चाहेंगे थोड़ा हाथ उठा दीजिएगा तो आशीर्वाद मिलेगा जैसा नेतृत्व करता उसी तरह से हमारे समाज भी आगे बढ़ेगा। जब तक हम लोग यहाँ से ऊर्जा देने का प्रयास नहीं करेंगे यूट्यूब के माध्यम से लाखों लोगों तक जाएगा ये वीडियो इसलिए हाथ उठा के सारे लोग जय धर्मेश जय सिंहभूमा जय आदिशक्ति का हम लोग आह्वान करेंगे जय धर्मेश गुड। और बहुत लोग अभी मुंह नहीं खोले हुए हैं जय आदिशक्ति जय आदिशक्ति जय धर्मेश बहुत अच्छा। तो मैं भजन शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि मैं आप लोग से एक क्वेश्चन करना चाहता हूं धर्मेश है कहाँ धर्मेश है कहाँ और जिसको धर्मेश या चाला माँ या आदि शक्ति कहते हैं वो है कहाँ और करते क्या है वो करते क्या है धर्मेश जिसको हम लोग आज विनती भजन और प्रार्थना के माध्यम से जानने और हमारे नेतृत्व करता और हमारे जो धर्म पहान लोग आज अगुवाई कर रही है उनके माध्यम से हम जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब तो नमाय मजीनो लातेहार जिला क्षेत्र की बड़ी समाज की नलक नंदस कोहा ददस जयराम उरांस वर्ष का रस रांची ते चल के आसीन हूँ मंच तरते ने आप दोनों वर्चनों पर रोह दरा अपना स्थान ग्रहण ननोस और मंच की शोभा बढ़ावो श्री जयराम उरांस। तो दागे थोड़ा सा कट मजे करा
जय सरना जय अधिशक्ति। तो मैं क्या बोल रहा था इंद्रपाल खान कि धर्मेश है कहां और धर्मेश करते क्या है, इस चीज को आज अपने अंदर घर जाके सवाल करना कि मैं धर्म के बारे में और धर्म के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो हमारे किस धर्म के नाम ले रहे हैं, उस धर्मेश है कहां और धर्मेश काम क्या करते हैं। तो एक चीज का मैं उत्तर दे देता हूं और एक चीज का एक सवाल का मैं आप लोग को पर छोड़ देता हूं। घर में जाना, इत्मीनान से बैठना, आंख बंद करके माँ का स्मरण करना, धर्मेश का स्मरण करना कि धर्मेश आप कहाँ हो, माँ आप कहाँ हो, ये क्वेश्चन आप लोगों पर छोड़ देता हूँ।